जिला माइनिंग एसोसिएशन करौली के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर रणथंभौर केला देवी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण करने तथा 2018 से अब तक की अवधि में बंद रहे खनन पट्टों की डेड रेंट राशि वसूल माफ करने की मांग की है। लेकर ज्ञापन है और क्या कर रहे हैं? पिछले 5 वर्ष से राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र में रणथंभौर केला देवी इको सेंसिटिव जोन निर्धारण के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक प्रस्ताव पास नहीं किए, जिसके कारण करीब 125 पट्टे खनन पट्टे बंद हो चुके हैं और करीब हजारों की संख्या में मजदूर हैं वो बेरोजगार हो चुका है। हमारा तो यही कहना है उसी, लेकिन सरकार द्वारा जो बंद खाने हैं उनका ड्रेन भी वसूला जा रहा है जो कि बहुत भारी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया जाए तथा जो हमारी बकाया राशि है उसको छूट दी जाए।